हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल रूबी किचन एंड ब्लॉग्स में। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज मैंने बनाए हैं दही के शोले या फिर ब्रेड रोल कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, लेकिन बहुत ही टेस्टी नाश्ता मैंने बना के तैयार किया है जो बड़ों के साथ साथ बच्चों को भी बहुत पसंद आने वाला है। कोई तामझाम नहीं है इसमें, एकदम सिंपल तरीके से बन के तैयार हो जाता है। आप प्लीज़ मेरा वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा ये मैंने किस तरीके से बना के तैयार किया है। सबको बहुत अच्छा लगा था। तो यहाँ पर मैंने कुछ सामग्री ले ली है दही के छोले बनाने। यहाँ पर मैंने गाजर, प्याज, शिमला मिर्ची, टमाटर और हरी मिर्ची, इन सबको मैंने चॉपर में चॉप करके लिया है। आप हाथ से इतना बारीक काट सको तो काट लेना। और यहाँ पर मैंने लिया है चीज़, थोड़ा सा चीज़ भी ले लिया है मैंने। तो यहाँ पर मैंने लिया है हंकड़, इसे दही ले लीजिए, आप किसी कपड़े में बांध के 3-4 घंटे के लिए टांग दीजिए तो उसका सारा पानी निकल जाता है, उसे हंकर बोलते हैं। तो मैंने वही ले लिया, एकदम गाढ़ा दही है। इसमें हम सारी वेजिटेबल्स को डाल देंगे, जैसे कि प्याज, गाजर, सारी सब्जियों को हमें इसमें डालना है। देखिए मैंने कितना बारीक किया है, इसी तरीके से बारीक आपको करना है। हरी मिर्ची भी मैंने डाल दी है, टमाटर और शिमला मिर्ची को भी, और इन सब्जियों को हम मिक्स कर लेंगे दही में। बहुत ही टेस्टी नाश्ता बनकर के तैयार होता है, आप इसे एक बार जरूर ट्राई करिएगा। मैंने इसमें डाल दिया चीज़, मैंने थोड़ा बड़ा बड़ा ही काटा है और बहुत ही अच्छा स्वाद आता है इसमें चीज़ का। अगर नहीं डालना चाहो तो बिना चीज़ के भी बहुत ही बढ़िया अमेजिंग बनकर के तैयार होते हैं, बिना चीज़ के भी आप इन्हें बना सकते हो। तो मैंने चीज़ को भी अच्छे से मिक्स कर लिया है, ये देखिए। अब इसमें हम थोड़े से मसाले और ऐड कर लेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर डाला है चिली फ्लेक्स थोड़ा सा, और इसमें हम डाल देंगे ऑरेगानो, ये देखिए थोड़ा सा ही डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालना है। और यहाँ पर हम टेस्ट अकॉर्डिंग डाल देंगे नमक, नमक डालना ज़रूरी है। और इन्हें हम थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर मैंने इन्हें अच्छे से मिक्स कर लिया है। और अब हम इसमें थोड़े से और डालेंगे मसाले। ये बहुत ही अमेजिंग टेस्टी, ऐसे ही भी बनाओगे तो भी बहुत बढ़िया बनकर के तैयार होता है। इसमें मैंने कोई मसाला ऐड नहीं किया है, केवल नमक और चिली फ्लेक्स ऑरेगानो ही डाला है, इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं ऐड किया है। और हमने यहाँ पर वाइट ब्रेड लिए हुए हैं, इन्हें हम अच्छे से बेलन से बेल लेंगे, इस तरीके से अच्छे से बेलना है। यहाँ पर बाहर हमारे शोर ज़्यादा आता है, इसलिए थोड़ी बाहर की भी आवाज़ आ रही होगी, उसके लिए सॉरी। हमें एकदम पतला बेलना है इसे, ये देखिए। आप जहाँ तक हो सके वहाँ तक ताज़े ब्रेड ही लें। ताज़े ब्रेड लेने से क्या होता है कि ये मतलब फटते नहीं है, टूटते नहीं है, वरना ये टूट जाते हैं बहुत जल्दी। आप चाहो तो इनकी किनारी काट सकते हो, मैंने इनकी किनारियाँ नहीं काटी हैं, चाहो तो काट भी सकते हो। अगर आप इन्हें डीप फ्राई करना चाहते हो, इन्हें डीप फ्राई करके भी बनाया जा सकता है, लेकिन उसमें ज़्यादा ऑयली हो जाता है। तो ना आप मैदे का घोल लगा के इनके किनारों पर लगा के इन्हें चिपका दें अच्छे से, तो इन्हें मतलब डीप फ्राई भी कर सकते हो, बिल्कुल भी इन्हें ये छूटते नहीं हैं। मैं इन्हें सेल्फ फ्राई करूँगी तो मैंने इन्हें पानी से ही मतलब चिपका दिया है, हल्का हल्का पानी लगाया है किनारे पे और इन्हें चिपका दिया है। और आप अगर डीप फ्राई करना चाहते हो तो मैदे का घोल इनके किनारों पे लगाएं और इन्हें चिपकाएं, तो बिल्कुल भी नहीं छूटते हैं और डीप फ्राई कर सकते हैं, फटेंगे नहीं बिल्कुल भी। मैंने यहाँ पर ये देखिए मैंने पानी लगाया है, पानी से ही मैं इन्हें मतलब चिपकाऊंगी, और जिससे क्योंकि मुझे इन्हें सेलो फ्राई करना है, डीप फ्राई नहीं करना है। इस तरीके से आप देखिए, यहाँ पर ये देखिए मैंने कितने सारे बना के रख लिए हैं। अब मैं चलिए इन्हें सेक लेते हैं। यहाँ पर मैंने तवा चढ़ाया है, तवे पे हम लगा लेंगे घी, आप तेल कुछ भी लगा सकते हो, जो चीज़ आप खाते हो वो चीज़ आप यूज कर सकते हो। मैं घी लगा रही हूँ। घी लगाने के बाद हम इन पर इन्हें रख देंगे और उलट पुलट करके इन्हें क्रिस्प होने तक सेक लेंगे। ऊपर से भी हम इन्हें पहले घी लगाएंगे अच्छे से, जिससे ये क्रिस्पी हो जाएं इधर उधर से। अच्छे से हम थोड़ा थोड़ा घी लगा देंगे पूरे ब्रेड पर,
आप इस नाश्ते को एक बार जरूर ट्राई करिएगा। अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसे लगे हैं। तो मैंने यहाँ पर ये नीचे से सिक गए हैं, अब हम इन्हें पलट लेंगे। ये देखिए हल्का हल्का कलर आ गया है इस पर, इन्हें हम पलट देंगे और नीचे से भी क्रिस्प होने तक सेक लेते हैं। काफ़ी अच्छे से सेकेंगे हमें इन्हें, चाहो तो ढक भी सकते हो जिससे और अच्छे हो जाएगा। ये देखिए ये मेरे बहुत ही अमेजिंग मतलब सिक्के तैयार हो गए हैं, बन गए हैं। अब हम इन्हें निकाल लेंगे प्लेट में। मैंने आपको काट के दिखाऊंगी। ये देखिए बहुत ही बढ़िया बन करके तैयार हुआ है, और ऐसा भी नहीं है, एकदम बढ़िया तरीके से कट भी गया। इनकी फिलिंग देखिए कितने टेस्टी बन करके, आप किसी मेहमान आ जाए तो भी आप बना के उन्हें खिला सकते हो। तो आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। और पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय।